राधे राधे गाइस वेलकम टू तो न्यू वीडियो भाई अगर आप पंच का ईवी वेरियंट लेना चाहते हो एंड आप कन्फ्यूजन होगा भाई कौन सा ईवी वेरियंट ले स्मार्ट, है, स्मार्ट तो ले या स्मार्ट मतलब बेस मॉडल या लेकिन अपर वाला मॉडल है तो इस वीडियो में मैं शॉर्टकट में क्लियर कर दूंगा भाई आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है मतलब दोनों में कौन सा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है एंड वो भी एक मिनट के अंदर अंदर तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में तो यहां हमने लिया पंच पंची का दोनों मॉडल यहां देखो ये यह बेस मॉडल है ईवी स्मार्ट एंड यहां स्मार्ट प्लस इसका दाम है दस लाख नयानवे हजार इसका दाम है ग्यारह लाख उनचास हजार मतलब तो पचास हजार का डिफरेंस है दोनों के बीच में भाई तो दोनों के बीच में पचास हजार का डिफरेंस है तो आपके लिए पचास हजार देना वर्थ बनता है या बनता वो हम देख लेते हैं फटाफट इस वीडियो में सबसे तो पहले स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं भाई तो इंजन में कोई इंजेज नहीं मिलता ठीक है दोनों में सेम बैटरी पावर वगैरह सब कुछ ट्रांसमिशन दोनों में सेम मिलता है डायमेंशन दोनों में सेम मिलता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते सीधे चलते हैं फीचर्स पे ठीक है इसमें शो डिफरेंस करते हैं हैं भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि भाई आपको ये मिलता है वो मिलता है शो डिफरेंस करते हैं ताकि आपको सीधा सीधा बंद चले कि क्या नहीं मिलता है अब देखो पावर विंडो जो है आपको बेस ब्रेंड में सिर्फ आगे मिलता है बट इसमें आपको दोनों तरफ मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स आपको सामने मिल जाता है पंच स्मार्ट में ठीक है उसके बाद आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है ईवी स्मार्ट प्लस में इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात कर ले तो इसमें प्रॉपरली आपको एक टच स्क्रीन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि एप्पल कार प्ले एंड ऑटो सबको सपोर्ट करता है देखो अब भाई आपने पचास हजार रुपए दिए किस चीजों के लिए चार चीज़ों के लिए ठीक है तो मेरे हिसाब से ना देखो मैं शॉर्टकट में आपको इसे बता रहा हूँ कि मेरे से आप पचास हज़ार दे दो और स्मार्ट प्लस ले लो क्योंकि इसमें जो आपकी बेसिक नीड है ना वो सारी पूरी हो रही है कहने का मतलब है अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो ऊपर जा सकते हो लेकिन आपका आप बजट बहुत टाइट है कि भाई आप उससे ऊपर नहीं जा सकते स्मार्ट प्लस समझो आप बेस मॉडल है क्योंकि इसमें आपको वो हर फीचर मिल जा रहा है जो एक कार में होना चाहिए ठीक है एडियर पावर विंडो हो गया एंड मान लो आप सोच लोगे कि भाई मैं स्मार्ट ले रहता हूँ एंड स्मार्ट प्लस में जो पचास हजार यहाँ से दे रहा हूँ वो बाहर से लगा लूंगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई ईवी कार के साथ छेड़छाड़ मत करो बाहर से कुछ वायरिंग वायरिंग उसका मत छेड़छाड़ करो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई किस चीज़ की वजह से कौन सा बैटरी डाउन हो गया एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो आप मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो आपको जो भी मॉडल लेना है कंपनी फिटेड ही लो एंड अगर आप इस बात से अग्री करते हो कि हमें ई कार्स में कम से कम बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं करवाना चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ खास करके इलेक्ट्रिक पार्ट ठीक है भाई बहुत सिंपल सा एजेंडा है इस वीडियो का कि आपको स्मार्ट प्लस पर जाना है स्मार्ट नहीं लेना है ठीक है तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे थैंक यू